अगर सारे वानर युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते? सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ये सोच रहे थे, यार मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, कूद चेक कर रहे थे। जामवंत थे, उन्हें पता था कि ये हनुमान जा सकता है, लेकिन ये भूल गया है, इसको शाप मिला है। लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग जामवंत ने क्या कहा? का चुप साध रहे बलवान, तू क्यों चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है, बुजुर्ग जरूरी है, कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके, क्या चिंता करता है बेटा, मार उछाल। राम जिस रास्ते से आए थे, जब भरत उनको बुलाने के लिए वापस आए तो भरत ने चप्पल नहीं पहनी। तो समवन आस्क्ड किया, महाराज आप चप्पल पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं भैया, इस रास्ते से गए हैं तो आई वॉन्ट टू फील दिस, कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया है। और उधर दूसरी तरफ राम वनदेवी को बुला के बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दोगी? वो कहती है, अरे भगवान आप काम बोल रहे हैं, बताइए आप। तो वो कहते हैं कि रास्ते के ना सारे कांटे हटा दो, इस रास्ते से मैं आया हूँ। तो बोले, क्यों, आप तो आ चुके। बोले, मेरा छोटा भाई भरत है, वो मुझको ढूंढता हुआ आएगा, सो उसको कांटे नहीं लगने चाहिए। तो वो वनदेवी कहती है, हटा देती हूँ, पर वो इतने कोमल है क्या कि कांटे से उनको दर्द हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि कोमल तो नहीं है वो, बहुत कठोर है, बहुत ताकतवर है, बट अगर उसको एक भी कांटा चुभा तो उसको इस बात का दुख बहुत ज्यादा होगा कि मेरी वजह से भैया इस रास्ते पर चल गया। राम खुद तकलीफ झेल सकते हैं, पर राम को जो प्रेम करते हैं वो तकलीफ में आए, राम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।